तो देखने को मिलेगा कि कौन आकर के हमें सरप्राइज दिया और मेरी किट्टो की लड़ाई क्यों हुई, केक काटते वक्त फिर हमने केक कैसे काटा, उसके बाद सब ने मिलकर के खूब झमाझम डांस किया, किट्टो ने तो गर्दा उड़ा दिया, अरे आए तहलका मचा दिया, मतलब छा गई मेरी रानी छा गई। उसके बाद किट्टो ने कितने किलो का वजन उठाया और वो कौन था वो जिसको किट्टो ने उठाया। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि सुबह सुबह किट्टो के भाई यानी दीपक जायसवाल जी आते हैं और घर से ढेर सारी चीज़ें लेकर के आते हैं जिसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी मेरी ससुराल से मिठाई रहता है, बिस्किट रहता है, गाजर का हलवा रहता है, चूड़ा रहता है और इसी बीच बहुत हंसी मजाक की चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ समय के बाद मैं चला जाता हूँ रेस्टोरेंट में जहाँ पे मुझे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, मैं वहाँ डेकोरेट कराता हूँ। फिर किट्टो आइटम पे आइटम झोरम झोर मचा रखी होती है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर मनीषा और सचिन ने हमको बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, आप लोग देख सकते हैं, और ये प्यार से हमारे लिए गिफ्ट लाए थे जो कि और बहुत बड़ी बात है। ये लोग बहुत दूर से आए थे और इतनी दूर से आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। और मनीषा और हमारी किट्टो रानी दोनों बहुत खूबसूरत लग रही, और सब लोग देखो इंजॉय कर रहे हैं इस इवनिंग को। और लाइव म्यूजिक चल रहा था, इधर किट्टो और मनीषा जी बात कर रही थी और बाबू गिर गया, लेकिन सचिन भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे इस पल को हमारे साथ, और हम दोनों बहुत अच्छे लगे थे। और किट्टो मेरी किट्टो रानी लव यू, हाय विनय, सब हाय हाय कर रहे हैं, सब मस्त हैं, बिल्कुल मस्त है, पार्टी में एकदम डूब गए हैं। देखिए हम लोगों ने डेकोरेट कराया था, हैप्पी एनिवर्सरी अमित एंड किट्टो लिखवाया, बाबू तो पूरा क्लब छान डाला। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और फूड सब लोग, और ये बहुत ही यूनिक आइटम था जो मैंने सचिन भाई के लिए स्पेशली मंगवाया था। हालांकि उन्होंने बहुत कम खाया क्योंकि वो बोल रहे थे वो बहुत ज़्यादा खा के आए हुए थे, मैंने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं किया, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सचिन भाई अपनी फोटोज और वीडियोज़ दिखा रहे थे किट्टो रानी को, भाभी भी धीरे धीरे साइड से झाँक रही हैं। मुझे ना दोस्तों खाने से ज़्यादा मज़ा आता है दूसरों को खिलाने पर, तो मैं सर्व कर रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा पीस मैंने इधर मुझे सामने, तो कुछ नहीं सर्व किए थे तुम्हें किया था। फिर मैं उठता हूँ जाता हूँ साइड में जो मेरे भाई बंधु बैठे होते हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने हाथों से ही खिलाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को सर्व करना, उनको खिलाना, अगर मुझे बनाने का भी मौका मिलता तो बना के भी खिलाता हूँ। आप तो सबको ये चिकन वगैरह था ना इसकी वजह से मैं उसको टच नहीं कर रही थी। सचिन और मनीषा जी हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस पल को और मैं भी इनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मनीषा जी देखिए चिकन को लपेटना चाह रही लेकिन लपेट नहीं पा रही, सचिन भाई अपने प्यारे प्यारे हाथों से लपेट लपाट के मनीषा जी को खिलाते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन देखिए, आए है शर्मा गई लड़की। उसके बाद फिर मैं सचिन भाई को सजेस्ट करता हूँ कि सचिन भाई आप ये वाला ट्राई करिए, और हमोस पिता ब्रेड होता है, बहुत ही अल्टीमेट होता है। गाइज हमने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि जो वीडियो की क्वालिटी थी थोड़ी सी डाउन थी, ब्लैक एंड वाइट करने से थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए हमने कर दिया ताकि आपको हमारा फेस समझ में आए। बाकी मनीषा जी और सचिन जी देखिए सचिन भाई का एक्सप्रेशन, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और सोनाक्षी भी कट्ट से जाके लपेट गई और भाभी जी सब मजे, तो अपने फूड को एंजॉय करते करते आँख मारना स्टार्ट कर देती है। एक्सप्रेशन देखो, लग रहा है आज तो गर्दा ही उड़ा देगी। स्माइल देखो कतई जहर। इस टाइम लाइव म्यूजिक चल रहा होता है और भैया बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग गाते हैं, तभी हमारा केक जो है तैयार हो गया है। और अमित एंड किट्टो जायसवाल जिस पल का हमें इंतजार था, केक बिल्कुल तैयार है और अब हम लोग इसको काटने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच सचिन भाई हमारे लाइव को जो इंस्टा पे हम लाइव थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं कि आप सब लोग गाइज रेडी हो जाइए, अमित एंड किट्टो का केक कटने वाला है। और मनीषा और सचिन भाई भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं कि केक कटने का प्रोसेस क्या है, कैसे केक काटा है हम लोगों ने और कैसे इंजॉय किया इस पल का। और किट्टो हमारी झूम झूम मचा रखी है, झमाझम। दोस्तों अब हम लोग केक काटने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी बीच में मनीषा जी बहुत ही प्यारा गुलदस्ता लेके आती हैं और किट्टो को देती हैं और ये दोनों फोटो सेशन करा रहे हैं। और फिर मुझे ही बुलाया जाता है, मैं भी फिर धीरे से चुपके चुपके धीरे धीरे आता हूँ। और दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और किट्टो इस पल को एंजॉय कर रही है और मैं भी आ जाता हूँ, और मैं भी मैं बोलता हूँ सचिन भाई और मनीषा जी आप लोग आइए, अब मैं भी आ गया हूँ तो गुलदस्ता मुझे भी दीजिए भाई। और फिर मैं बोलता हूँ कि किसी को कि प्लीज़ सचिन भाई का कैमरा ले लो, फ़ोन ले लो, उससे कुछ फ़ोटोएँ क्लिक कर दीजिए ताकि उनके पास भी कुछ मेमोरीज हमारी रहें। और उसके बाद सचिन भाई और मनीषा जी तैयार हो गए हैं हमें गुलदस्ता देने के लिए। और ये देखिए मनीषा जी ने गुलदस्ता पकड़ लिया है और कितनी प्यारी स्माइल और देखिए हमें दे रहे हैं, और इसकी इसी बीच हमारी फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। कितना अच्छा स्माइल है हम सबका और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिल के।
इसी बीच मैं किट्टो को थोड़ा सा तंग करता हूँ कि मैं काटूंगा केक। बोलती नहीं मैं साथ में काटूंगा। बोलूंगा नहीं मैं अकेले काटूंगा। बोलती नहीं मैं भी काटूंगी। तो बस ये प्यारी सी नोकझोंक होती। फिर बोलते हैं नहीं बाबू चलो साथ में काटते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल पल था कि जिससे आप चाहते हो उसी से आपकी शादी हो। और पूरे एक साल कितने प्यारे से और कितनी अच्छी तरीके से बीत गया हमें पता ही नहीं चला कि एक साल कैसे इतनी जल्दी बीत गया। और इतने एक सालों में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दी और इतनी कामयाबी दे रहे हैं, आप सब लोग को धन्यवाद दिल से। चुका था तो किट्टो मनीषा जी को बड़ी मोहब्बत से प्यार से केक खिला रहे हैं। मनीषा जी भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सचिन जी और मनीषा जी ने हमें सरप्राइज़ दिया। सचिन भाई को किट्टो केक खिला रही है और मनीषा जी को भी दोबारा आए हाय। मैं मतलब कई बार हम लोगों ने केक खिला क्योंकि इतना प्यार हम लोगों ने सचिन भाई को मतलब देखते इतना मोहब्बत आती, इतना प्यार आता है, एकदम भाई वाली फीलिंग आती है। सचिन भाई ने कितनी मोहब्बत से मुझे केक खिलाया। फिर मैं भी केक उठाता हूँ, सचिन भाई मनीषा जी को खिलाता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी इंजॉय करिए थोड़ा साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ, लवली लवली म्यूजिक। अब पारी आ जाती है मनीषा जी की केक खिलाने की। मनीषा जी अपनी प्यारे प्यारे हाथों से किट्टो जी को केक खिलाती हैं और मेरे जो दोनों प्यारे बच्चे हैं ऋषभ और सोनाक्षी बहुत प्यारा गिफ्ट मेरे लिए लेके आते हैं। और हमारी जो छोटी सी फैमिली जो हम लोग दिल्ली में रहते हैं, भैया हैं, भाभी हैं और ये छोटा भाई है हमारी किट्टो रानी का जिसका नाम विनय है जो कि लुक्स में काम करता है। फिर भाभी अपना छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे केक उठा करके मुझे खिलाती हैं, किट्टो को खिलाती हैं और एक दूसरे को केक खिलाने का सिलसिला चलता रहता है यहीं। और मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल रहता हूँ क्योंकि ये जो पल होते हैं ना बहुत ही इसका कोई शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोलूँ यार, आप लोग प्लीज़ इन्जॉय करिए इस पल को, नहीं तो मैं रोने लगूँगा ऐसे पलों के बारे में बता के। ये पल बड़े अनमोल होते हैं। आई लव यू ऑल, लव यू। और ये हैं विवेक पांडे जी जो मेरे बहुत ही करीबी बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और इनको मैं हर एक फंक्शन में अपने इनवाइट करता हूँ क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इनकी भी अभी भी नई नई शादी हुई है और मैं पांडे जी को बहुत दिल से मोहब्बत देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और ये हैं मिस्टर दीपक जायसवाल और हमारी किट्टो रानी के बड़े भैया और हमारे शाले साहब जो कि हमें मोहब्बत से केक खिला रहे हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। भैया ये तो इनके बारे में तो आपने पहले वाले ब्लॉग में देख ही लिया है, बहुत मस्त मौला बंदे हैं। ये देखो 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 मस्ती कर गया लड़का, मस्ती कर गया डांस देखो। ये यहाँ पे आप लोग किट्टो की डांस को थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैं देखता हूँ ये कौन सा हवा भर रही है, जैसे टायर में हवा भरते हैं ना मुझे बहुत हंसी आई इसका डांस देख के। मैं इसका फिर कॉपी करता हूँ, ये कौन सा डांस है भाई किट्टो स्पेशल मौका और हमारी किट्टो डांस न करें ऐसा हो सकता है। किट्टो मनीषा जी बोलती है कि मनीषा जी चलिए डांस करते हैं। अब देखिए मनीषा जी भी उठ गई हैं और अब देखिए गर्दा उड़ने वाला है, झंडे गाड़ देंगे, झंडे लठ गाड़ देंगे दोनों। अब यहाँ पर मनीषा और किट्टो जी ने तहलका मचा दिया है, एक से बढ़ के एक ठुमके लगेंगे बाबा। अरे सचिन भाई किसी से कम थोड़ी नहीं है, पूरे शाहरुख खान है किट्टो ने कहा। चलो उसका मैं क्यों रुकने वाला हूँ भाई, मैं भी बस धीरे धीरे आ ही रहा हूँ डांस करने। देखिए अब मेरा परफॉर्मेंस और किट्टो के साथ डांस, ये मैं आ गया। Thank you.
बारी आती है ना, हम बहुत इंजॉय करते हैं और सब ने मिलकर बहुत डांस किया, बहुत इंजॉय किया और इस पल को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। डांस करते करते हमारी किट्टो ने उठा लिया है मनीषा जी को। कितने किलो का वजन है ये आप लोग लिखिएगा कि मनीषा जी कितने किलो की है, लेकिन ये दोनों एकदम बच्चे बन गए, एकदम बच्चे बन गए। इतनी मस्ती कौन करता है भाई, ये तो भूल ही गई थी कि हम कहीं पे हैं, मतलब ऐसे कौन उठा लेता किसी को भाई। मतलब उसका फिर इसको एहसास हुआ, ये भगवान दोनों हंसते हंसते पागल हुए, फिर बोल रही मैंने मनीषा को उठा लिया, फिर बोल रहे सचिन भाई को भी उठा के दिखा दूँ क्या। तो देखिए सरप्राइजिंग, आज सरप्राइज कौन देने आ गया, सचिन भाई, मनीषा जी और किट्टो जी तो मेरी जिंदगी में सरप्राइज लेके आई ही हैं। ये कल बोल रहे थे कि आ जाओ आप लोग, फिर मैं बोला कि रुको हम लोग तो अभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा लाइव पे कैसे बोले थे, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, मनीषा का तो एग्जाम है, पेपर है, उसको कितनी गुड़ दे आंखें फाड़ने हैं, टाका चलाना है, आप लोगों को ये सरप्राइज। अगर टाका इधर का उधर हो जाएगा तो मामला बिल्कुल तो बिल्कुल हमें भी बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज देना चाहिए ऐसे कभी कभी दोस्तों को, तो बिल्कुल देना ही चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताना। किट्टो भाभी हालांकि थोड़ा सा उदास हो गए हमारे आने से, लेकिन ये तो मुझे लग रहा डबल एनर्जी से डांस किया है, बहुत ज्यादा खुश हो गए हमारी। देखते साथ इनके एक्सप्रेशन यूं हो गए थे, मतलब मैंने कौन आ गया मेरे पास, मैं देखी जब मैं आपको देखी ना तब मैं मुझे तो ज़्यादा लोग पहचान रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से भावुक पल होने लगते हैं क्योंकि सचिन जी और मनीषा जी हमें बाय कहने वाले थे और सचिन भाई कुछ बोल रहे हैं क्योंकि वो पीछे बैकग्राउंड साउंड में इतना म्यूजिक लाउडली चल रहा है कि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए हमने म्यूजिक को म्यूट कर दिया है। और सचिन भाई हमें बता रहे हैं कि वो कल सुबह निकल जाएंगे, इस बारे में बातें हो रही हैं। और कल फिर हम लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, अरे हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया। किट्टो मुझे बैलून दे करके प्रपोज करे, मैं इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर अंत में वही पल आते हैं जिसका हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि जो हमसे लोग मिलने आए हैं वो वापस जाएं, लेकिन क्या करें सचिन भाई अब हमें बाय कहने वाले थे और किट्टो थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, गले लग जाती है मनीषा जी से, अंदर ही अंदर दोनों इमोशनल। आखिर वो पल आ ही जाता है कि अब जब लास्ट में हमें एक दूसरे को बाय कहना होता है और फिर सब आप अंदर ही अंदर सब भावुक थे लेकिन कोई उसको दर्शा नहीं पा रहा था, तो मनीषा जी भी फाइनली बाय कहने लगती हैं और सचिन भाई भी बाय कहने लगते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और उम्मीद करेंगे कि फिर से हम मनीषा और सचिन जी से मिल पाएँ और आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोज़ ब्लॉग बना पाएँ।